आगरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे टीजीटी विषय के अंतर्गत कला पे, जो चित्रकला के नाम से जाना जाता है, टीजीटी आर्ट्स। यहाँ पे आज हम उसके सामान्य पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेंगे आपको, और अगले वीडियो में निरंतर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सिलेबस के एक एक अंगों को विस्तार के साथ समझते हुए और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करते हुए आपको एक निश्चित दायरे में रखते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाया जाएगा। तो फिर चलिए हम चर्चा कर लेते हैं आज के इस पाठ्यक्रम। देखिए, यहाँ पे हमने स्पेशली मेंशन कर दिया है टीजीटी कला, टीजीटी कला पाठ्यक्रम परिचय। और यहाँ पे पाठ्यक्रम की आप यहाँ पे चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट में आपको पाठ्यक्रम के जो मुख्य अंग थे उसको मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया, और आज की चर्चा आपकी इसी पाठ्यक्रम पर पूर्ण की जानी है। साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र। दोस्त, बात हो रही है कहां की? प्रागैतिहासिक काल की, अर्थात यहाँ पे आप प्राचीन इतिहास के उस सेगमेंट की बात करते हैं जहां पे कला के आरंभिक स्रोत बिंदु, या ऐसे समझे कि कला की शुरुआत जहां से होती है, धीरे धीरे कला उभर करके जहां से आता है, सबसे पहले एक विस्तार पूर्वक चर्चा भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र पर की जाएगी। अगर इन कला केंद्रों की यदि मैं आपसे चर्चा कर लूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया है, जिसमें आपको यहाँ पे मिर्जापुर आ जाता है, जो मिर्जापुर का ये पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे एरिया जो आपके विंध्याचल की पहाड़ियों के आसपास के थे, ये यहाँ की कला संस्कृतियों की चर्चा की जाएगी। अगले क्रम में हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख लेंगे भीमबेटका, बादा, पंचमढ़ी और इस प्रकार के जो अन्य कला के केंद्र पाए गए थे उस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पे कला का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार ये उन्नति काल में पहुंचा, उसका क्रम क्या था और उसमें विशेषताएं क्या परिलक्षित थी, इसमें कहाँ से अभी तक प्रश्न बन चुका है और अभी क्या बाकी है जो प्रश्न बनने की उम्मीदें हैं, या कहां से अभी और प्रश्न बन सकता है। दोस्त, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला। अब दोस्त, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला की बात होती है तो आप प्रागैतिहासिक काल से हट करके या उसके एक क्रम आगे बढ़ते हुए आप चले आएंगे अब प्राचीन इतिहास के शुरुआत की दशा में, अर्थात अब आते हैं जहां से आपको इतिहास के अच्छे साक्ष्य मिलते हैं और संरचित कला का रूप मिलता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपको कालीबंगा, लोथल, बहुत ढेर सारे इसके कला केंद्र हैं जिस पर आपको क्लास में चर्चा की जाएगी, लेकिन इस पे मुख्य जो फोकस है आपका कि हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, कि हड़प्पा में जो किस प्रकार के कला के साक्ष्य मिले, उनको बनाने में किन किन तत्वों का प्रयोग किया गया और उस कला के साक्ष्य कहां कहां से मिले और वे उस काल में किस प्रकार उपयोगी रहे। तो यहाँ पे हम दो बातें देखेंगे, हड़प्पा के बारे में और मोहन जोदड़ो के बारे में। यहाँ पे दोनों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और यहाँ पर देखा जाएगा मृदभांड के बारे में और जो भी जिस भी तरीके से यहाँ पे संरचित ढंग से एक क्रम बना होगा कि हथियार किस प्रकार के थे और किस प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पे जन्म ली और उनका विकास किस क्रम में हुआ। दोस्त, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए भारतीय चित्रकला के कुछ अंक की बात हो रही है। यहाँ पे देखेंगे जोगीमारा, अजंता, बाद, बारामी, एलोरा और यहाँ पे सत्तन वाशिया। तो यहाँ पे दोस्त ध्यान देंगे कि ये कह रहा कि भारतीय चित्रकला के छह अंक, यहाँ अंक से ये समझिएगा कि यहाँ बात हो रही है कि किस किस क्रम में और किस किस प्रकार से यहाँ पे संरचित की गई कला और किस किस क्रम में एक
के बाद एक बढ़ते हुए क्रम ने में इसने विकास के एक स्वरूप को प्रदर्शित किया गया या के स्वरूप को इसने प्रदर्शित किया। तो दोस्त यहाँ पे हम भारतीय चित्रकला के अंग के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे और यहाँ पे भी बनने वाले प्रश्नों की आपसे चर्चा की जाएगी। हम आगे के क्रम में आते हैं और देखें यहां से अब थोड़े से और अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट्स की शुरुआत होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय लघु चित्रकला, दोस्त यहाँ पे आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते होंगे तो आपको थोड़ी आइडिया होगी, जहाँ पे जैन सबसे ज्यादा पूछा गया, पाल पूछा गया और अपभ्रंश पूछा गया, यहाँ पे मुख्यतः मेंशन किया गया। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि भारतीय लघु चित्रकला जो थी इसमें जैन काल में ये कितना हुई, पाल में कितना, और अपभ्रंश शैली में कला का रूप किस तरह से विकसित हुआ और धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की क्रम में आगे बढ़ता रहा। अगर हम उससे एक क्रम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन समय में जो राजस्थानी शैली थी, यहाँ पे अगर राजस्थान में आपको अगर यदि देखना हो तो आप यहाँ से देखते हैं बढ़ी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, तो ये तो दोस्त बात हो रही है स्थान की, लेकिन यदि अगर हम बात करें तो इस काल के जो महत्वपूर्ण रूप से पूछने वाले पहलू होते हैं कि मंदिर, अगर हम उदाहरण स्वरूप आपसे चर्चा कर ले कि आप ऐसे देख सकते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप ऐसे देख सकते हैं कि शिव पार्वती मंदिर, एक लिंग मंदिर, तो यहाँ पे इस तरह से ये बनाए तो अन्य जगह पर गए लेकिन ये शैली उस काल को प्रदर्शित करती है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए कि अगर यहाँ पे पूछता है कि यह भारत के अन्य शैलियों के, या ऐसे पूछता है कि किस शैली के समानांतर शैली थी। अब चूंकि दोस्त यहाँ पे इन स्थानों या आप राजस्थान से वह भिन्न हो जाएगा, लेकिन वह किसके कालक्रम के अनुसार चला या किस कालक्रम के साथ वह समानता रखा या किस कालक्रम के समकालीन था, तो यहाँ पे इसको आपको क्या किया जाए, कोरिलेट करके इस पे चर्चा की जाएगी कि इस काल में किस प्रकार के मंदिर बने। राजस्थानी शैली की आप एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ के किलों का निर्माण, और जैसे यहाँ पे एक देखिए जैसे नाम ही लिखा हुआ जयपुर, तो जयपुर का किला, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जैसे राजस्थानी शैली है तो राजस्थानी शैली में क्या था, या कोई भी चित्रकला के कोई भी स्वरूप को आप देखेंगे, किसी काल की कला को देखेंगे तो उस काल की कला दो स्थानों पर भिन्न होगी, तो कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होगी अर्थात एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, कौन कौन सी समानता पाई गई, कौन कौन सी भिन्नता पाई गई, किस तरह के आयाम ऐसे थे जो दोनों में पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न थे, और कौन से आयाम थे ऐसे जो दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल आपस में परस्पर संबंधित थे। दोस्त आगे बढ़ते और आपको ये पता होगा कि मुगल काल अब कला में या कला के उत्थान का एक काल कह सकते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे जो प्राचीन चीजें थी वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुई, परिवर्तन के क्रम में आई, और परिवर्तन के क्रम में आप ऐसे देखें कि यहाँ पर जो ये मुगल शैली होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि तुर्क से यदि ले ले तो तुर्क बाहर से, भारत के बाहर से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, तो अब कला एवं संस्कृतियों का क्या हो रहा है कि विदेशी प्रभाव अब भारत की तरफ खींच रहा है, और अब धीरे धीरे जो भारतीय कलाकृतियां थी अब वो वेस्टर्न, या ऐसे समझे कि वो धीरे धीरे विदेशी प्रभाव से अब प्रभावित होंगी, और अब आपकी जो समानताएं भारत के दो स्थानों में कलाओं में समानताएं जो हम देख रहे थे और विभिन्नताएं देख रहे थे, अब यहाँ पे धीरे धीरे जो समानता और विभिन्नता की बात होगी अब वो भारत और विदेशों के साथ अब ये धीरे धीरे क्या होगी, कनेक्ट होने लगेगी। अब मुगल शैली में तुर्क और ईरान का जो प्रभाव पड़ा, अब यहाँ पे हम उसमें कालक्रम को देख लेंगे, तो दोस्त यहाँ पे सिलेबस में तो हमने अकबर को रखा, जहांगीर रखा, शाहजहां रखा, औरंगजेब रखा, लेकिन
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत और पहले से हो जाती है, जब यहाँ पे आपका क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। क्योंकि शुरुआत तो दोस्त मुगल शैली की वहीं से हो जाती है, क्योंकि आज आपको पता होगा कि मुगल काल की वो अनोखी कला आज भी भारत में अपना क्या की है, एक व्यापक महत्वपूर्ण स्थान को समाहित हुए, या ऐसे कहें कि बदलते हुए इस काल में भी कला के उस प्राचीन रूप को की विशेषताओं के साथ आज अपनी प्रासंगिकता को वो बनाए हुए रखा। तो दोस्त वहां से लेकर के चलेंगे और जिस काल में यहाँ पे आपको अकबर की बात करेंगे, जहांगीर, शाहजहां, या आप ऐसे समझे कि मुगल काल के समस्त कालक्रम को एक निश्चित क्रम में लेके चलते हुए। और एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पूरी चित्रकला, आप जैसे 60 मिनट पढ़ते हैं या पूरी आप सिलेबस पढ़ गए, पूरी ट्रिक पे है, रटाना मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ऐसे ऐसे मजेदार आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताया जाएगा कि आप हंसते हंसते न जाने कब आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम का विषय वस्तु आपकी जुबा पे होगा और अंत में अगर वाह वाह नहीं निकला तो फिर सब। दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि पहाड़ी शैली की, तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी शैली में यहाँ पे चूंकि स्पेशली मेंशन किया गया, सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट था, लेकिन आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि जो सिलेबस संरचित है इसमें सपोर्ट नाले से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे पहाड़ी शैली को भी इसके एक क्रम में, यहाँ पे सिर्फ कांगड़ा और बसौली ही नहीं बल्कि इसके अन्य प्रारूपों को भी एक साथ एक क्रम में देखते हुए दोस्त आगे बढ़ा जाएगा। आगे यदि हम बढ़ते हैं यहाँ पे तो दोस्त देखेंगे कि बंगाल शैली और उसके कलाकार। तो दोस्त बंगाल, जो कि देखिए बंगाल की खाड़ी जो है उसमें एक उधर से आप समझे कि जो सुंदरवन डेल्टा को लेते हुए जो एक तरफ का ये पूर्वी और ऐसे समझे कि पूर्वी और दक्षिणी कोने का जो क्षेत्र था, इधर एक अलग ही कला संस्कृति, बंगला भाषा, और धीरे धीरे ऐसे समझे कि कला का एक अलग और स्वर्णिम रूप वहां पे विद्यमान था। तो यहाँ पे आपको उसके रूप और उसकी कलाकृतियां देखना है और साथ ही दोस्त हम चर्चा करेंगे कि उस काल में कौन कौन से कलाकार हुए और उस कलाकार का किस पार्ट से या किस प्रकार से वे संबंध रखते। जैसे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण की चर्चा कर ले दोस्त, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर एकदम सबसे चर्चित व्यक्ति होंगे इसके। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख लेंगे नंदलाल और ऐसे आपको कई नाम आएंगे और आपको यहाँ पे क्या होगा, एक व्यवस्थित क्रम में यहाँ पे इसमें चर्चा करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। आगे देख लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखिए, सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे कि समसामयिक चित्रकला। दोस्त कहते हैं कि आप चूंकि देखिए आपने लिखा हुआ टीजीटी कला, तो टीजीटी का मतलब ही हुआ कि आप टीचर बनना चाहते हैं और एक शिक्षक, प्रभावी शिक्षक तभी हो सकता है, या ऐसे समझे कि शिक्षण की विशेषताएं जो होती है या शिक्षण के चरमोत्कर्ष पर वह तभी पहुंचेगा जब समय के साथ वह अपने आप को क्या करे, अपडेट करे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए समसामयिक चित्रकला में आगे तो आपके सिलेबस में कुछ लोगों के नाम लिखा हुआ है, लेकिन दोस्त ये पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी फंसा देती है। तो यहाँ पे आपसे बात की जाएगी कि समसामयिक काल में किस प्रकार से चित्रकला अपने एक स्वरूप को पकड़ा और किस प्रकार उसने यहाँ पे नए प्रकार के चित्रकारों को सम्मिलित किया, रवि वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर और गगनेन्द्रनाथ और ऐसे ढेर सारे नाम। तो यहाँ पर इस पर आपको क्या की जाएगी दोस्त, एकदम विस्तार से चर्चा की जाएगी और यहाँ पे इन इस प्रकार की कलाकृतियों के बारे में आपको यहाँ पे अनुभूत कराया जाएगा। आगे यदि हम थोड़ी सी और बात कर लें तो देखिए दोस्त यहाँ पे पता ही होता है कला के तत्व लिखा हुआ है और इसके अंतर्गत आने वाले तत्वों और उसके विभिन्न भागों और उसकी किस कला संस्कृति से में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा और कौन सी कला संस्कृति किस जो है कि प्रभाव के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगर यदि हम देख लेते हैं कि चित्र संयोजन के सिद्धांत, तो
तो दोस्त यहाँ पे देखे लिखा हुआ कि सहयोग सामंजस्य संतुलन इत्यादि, लेकिन संयोजन के सिद्धांत का से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की अनुभूतियां किस प्रकार जुड़ती हैं और वातावरण परिस्थितियां किस प्रकार इसमें सहयोग करती हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी एक व्यवस्थित क्रम में क्या करेंगे, इसको समाहित कर लिया। दोस्त यहाँ पे हमने कहा कि सिलेबस के साथ आपको एक ऐसी परिभाषा बताया जाए जो आप सबको आती है, सब जानते हैं, सिर्फ यहाँ पे बात वही होती है। सबसे फेमस बात लिखा हुआ कि कला का अर्थ, तो कला क्या है, कहते हैं कला ही जीवन, मतलब जीवन जीने की कला ही क्या होती है, व्यक्ति का एक आदर्श होता है या व्यक्ति का एक दर्शन होता है। तो ऐसे समझे कि मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है क्या कहलाती है, मनुष्य की रचना, रचना से सेंस क्या है, यहाँ पे ऐसे समझे कि मनुष्य की रचना इन द सेंस यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में या दैनिक जीवन की अनुभूतियों के साथ कालक्रम में किस प्रकार के संयोजित कार्य करता है और उस कार्य व्यवहार को संपादित करके व्यक्ति को उससे किस प्रकार सुख की अनुभूति होती है और जो ये अनुभूति मिली उसी को हम दोस्त क्या कहेंगे, वो कला कहलाएगी। कहते हैं ना कि मैं, या ऐसे कहते हैं कि फला टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप कहते हैं कि हाँ वो इन इन प्रकार के चीजों का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण के दौरान, तो कहते हैं कि हाँ यह उनके पढ़ाने की क्या है, कला है। अर्थात वो उनकी खूबसूरती या जिस प्रकार से वे दूसरों को, या ऐसे एक लाइन में समझे समायोजन शब्द, कि हम जिस भी कलाकृतियों, जिस भी व्यवहार के माध्यम से दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो प्रभावित करने में जो हमारी अनुभूतियां होती है या हमारी जो सामग्रियां होती, हमारी अंतर अनुभूति होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता, सुखद अनुभूति होती है, दोस्त क्या कहलाएगी। दोस्त यदि हम एकदम शॉर्ट की बात करते हैं और आप ऐसा कुछ न समझे, अभी कला के अर्थ को उसकी उत्पत्ति के आधार पे और यहाँ पे विभिन्न क्रम लगा करके आपको एक फ्रेमिंग के माध्यम से बेजोड़ आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। बस ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा कर रहा था कि कला के प्रकार की, मैंने बताया कि बस ऐसे ही आपको यहाँ पे बस एक नमूना दिखा दिया जा रहा है कि सिलेबस में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पे देख लेंगे कि वास्तु कला की मैं चर्चा कर रहा था आपसे। तो दोस्त यहाँ पे देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं पे छिपा हुआ होगा, कभी लिखता है वास्तु कला और कभी लिखता है क्या, स्थापत्य कला। दोस्त यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप नहीं रखेंगे, और यहाँ पे यदि अगर यदि देखना है कि क्या आता है, तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दुर्ग की, बात कर लेता हूँ मंदिर की, स्तूप की, धम्म की, और ऐसे इस क्रम में इसके अंतर्गत आने वाले कला के जितने भी रूप होंगे और उन उन रूपों में कहाँ पर किस प्रकार की कलाकृतियां बिखेरी गई किस काल में, और यहाँ पे देखेंगे कि इसको व्यवस्थित किया जाएगा यहाँ पे इस तरह से, कैसे आप प्रागैतिहासिक काल की तरफ से आगे बढ़ते हुए वर्तमान आधुनिक काल तक आएंगे। आगे आएंगे मूर्ति कला पे, यहाँ पे देख लेंगे कि पत्थरों की मूर्तियां और धातुओं की मूर्तियां दोनों को देखेंगे कि किस क्रम में कौन सी कैसे बनाई गई, उनमें फेमस कौन सी है और कहाँ से अब तक प्रश्न बना, महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे ज्यादा कहाँ पे बने, कहाँ पे कम बने। और एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, एक यदि शिक्षण की विशेषताओं को देखा जाए कि अभी क्या बन सकता है, तो इस पर चर्चा की जाएगी। आगे आएंगे दोस्त चित्रकला पे, तो भवनों पर, छतों पर, स्तंभ पत्र, भोज पत्र पर, और यहाँ पे देख लेंगे खालों पर, और इस तरीके से जितनी भी कलाकृतियों के अन्य स्रोत थे उस पर किस किस प्रकार से बनाई गई, कहाँ बनाई गई, कब बनाई गई और उसको बनाने में क्या क्या प्रयोग किया गया, पे चर्चा की जाएगी। मृदुभांड कला, दोस्त इसको आप बिल्कुल समझते हैं कि मिट्टी के बर्तनों पर जब बनाया जाता था तो वहां पे
किस प्रकार से यहाँ पे आप ऐसे समझे कि मृदुभांड में किन किन कलर का प्रयोग किया गया, किस प्रकार की आकृतियां उकेरी गई और उसमें उसने अपने आप में क्रम क्या रखा कि क्रम के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन आया, उसमें राजाओं को यहाँ पे हम कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्त आता है अगला मुद्रा कला। दोस्त बात होती है मुद्रा कला की, तो यहाँ पे देखेंगे कि सिक्के अर्थात सिक्कों पर किस प्रकार की कलाकृतियां उकेरी गई। दोस्त दूसरा जो सबसे और दूसरा क्या सबसे महत्वपूर्ण की यदि बात किया जाए दोस्तों, इस काल की मुहरें ही थी जो कि हमें प्राचीन से यहाँ पे सिंधु घाटी से आप लेकर के आप चले आएंगे वर्तमान तक कि मुहरों का प्रयोग आज वर्तमान समय में भी किया जाता है। तो दोस्त यहाँ पे इन सभी स्वरूपों की बात की जाएगी। इसके अलावा दोस्त यहाँ पे मुगल काल के बाद जैसे आप यहाँ पे स्पेशली यदि देख लेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लेंगे जैसे आधुनिक कला। तो दोस्त यहाँ पे आधुनिक कला की यदि बात की जाएगी तो हम यहाँ से आप यहाँ पर आपसे चर्चा कर लेंगे आधुनिक कला के अंतर्गत यहाँ पे कि जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाल को देख लेंगे कि पुर्तगाल का कलाकृतियों पर क्या प्रभाव पड़ा, टचों का क्या प्रभाव पड़ा, टेनिसों का क्या प्रभाव पड़ा और ऐसे ही क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था किसका, अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा। अब दोस्त यहाँ पे जैसे कि लाल किला बनवाया गया तो आपके मुगल काल में चला जाता है, लेकिन तुरंत उसके जस्ट बगल की बात करता हूँ राष्ट्रपति भवन की, दोस्त वो उठ करके कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा आधुनिक कला के अंतर्गत अंग्रेजों की। बात करूंगा दोस्त यदि आपको संसद भवन किस काल में बना तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था समसामयिक चित्रकला, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ के अपडेट करते हुए कला की इन समस्त आकृतियों को उकेरी जाएगी। और दोस्त आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, आपको हंसते हंसाते बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि आपको ऐसे हंसते हंसाते आपको इस तरीके से टीजीटी में इतने प्रश्नों का समावेशन करा दिया जाएगा और इस तरह से हम आपको तैयार कर देंगे जो कला अभी जो इतिहास में इसके पहले दोहराता आया हूँ कि अब क्या करें, लोग बहुत बार आरोप भी लगा देते हैं लेकिन ये सच है कि पढ़ाने का वो तरीका है सब कुछ फंस जाता है। तो दोस्त इसी के साथ इस वीडियो के लिए हम विदा चाहेंगे और आगे हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर बाय चैप्टर फ्रेमिंग करते हुए आपको अच्छे से विस्तार से चर्चा की जाएगी और आपको आपके सफलता की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू, शुभ रात्रि।